संजय कुमार यू नो व्हेन ही कमिटेड सुसाइड, जिस संजय कुमार के बारे में जो वीरमणि बोल रहा था, यूनिवर्सिटीज का अंदर इट हैज बिकम सो इनसेंसिटिव दैट उसका बॉडी 48 आवर्स के बाद किसी ने, मतलब द सोशल रिलेशनशिप्स विद इन द इंस्टीट्यूशन हैज डिटर्ड सो मच सो दैट कोई भी कहा गया संदीप कुमार ना लैबमेट याद किया, ना हॉस्टल मेट याद किया, ना रूममेट याद किया, ऑफकोर्स इट वॉज ए सिंगल रूम, ना दो विंगमेट्स याद किया, ना उसका कोई भी याद नहीं किया वो संदीप कुमार कहां गया, वो मर गया। मरने के बाद दो दिन के बाद उसका डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया। आई केम टू नो अबाउट दैट, देन इट वॉज लिटरली ए बिगेस्ट शॉक फॉर मी। भाई जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एमए एमफिल पढ़ा, क्या उस यूनिवर्सिटी सिस्टम का अंदर इतना नीचे गिर गया क्या ह्यूमन रिलेशनशिप्स? सो दैट मेड मी टू राइट अबाउट संदीप कुमार। सो 2008 में जब मैंने एक लिखा एक्सपीरियंसेस को लेके, जिस तरीके से दलित स्टूडेंट्स हैदराबाद यूनिवर्सिटी का अंदर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा है, वो सिर्फ एक छोटा सा 4-5 पेज को मैंने जब जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रेजेंट किया एक सेमिनार में, वहां पे सब लोग मेरा मुंह पे हंसना शुरू किया, भैया आजकल किस तरीके से बात कर रहा है आप, क्या डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है क्या नहीं होता है? दैट मेड मी मोर रिजिड टू प्रूव दैट यस, डिस्क्रिमिनेशन इज पार्ट ऑफ द ब्राह्मणिकल माइंड सेट ऑफ द यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो मैंने क्या किया, पिछले 4 साल में, जब पिछले बार जब मैंने 2014 में जब ये स्टडी करने के लिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी गया, तब रोहित वेमला से भी बातचीत हुआ। उस टाइम पे 4 यूनिवर्सिटीज का मैंने पढ़ा, मैं दैट स्टडी वॉज आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट स्टडी। आई थॉट आई मस्ट इंटरोगेट मोर अबाउट द यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो मैंने क्या किया, 10 यूनिवर्सिटीज को मैंने आइडेंटिफाई किया पूरा देश का अंदर। वो तो यूनिवर्सिटीज है, उसका पहले क्या हुआ, जब संदीप कुमार के बाद, जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद, और एक वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू हुआ, एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट था, उस स्टूडेंट को लगभग फर्स्ट ईयर में पूरा 8 पेपर में 7 पेपर्स में फेल किया गया, जो एक पेपर ने पास किया गया वो द वन पेपर विच वॉज पास बाय वन टीचर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, ये पे बगल में है, वो दलित टीचर था। सारे ब्राह्मणवाद टीचर्स वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में इकट्ठा होके उसको बोला गया भैया उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए लिखा, उस पेपर में भी अगले बार फेल कर दो। जब अगले बार उन्होंने सब, व्हेन ही अटेम्प्टेड ऑल 8 पेपर्स इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, ऑल 8 पेपर्स ही वाज फेल्ड इन ऑल 8 पेपर्स, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 10 मार्क, 15 मार्क। वो जो स्टूडेंट है 10वीं में, प्लस 2 में, ग्रेजुएशन में, सारे में मैथमेटिक्स फर्स्ट क्लास स्टूडेंट था, क्या वो मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं है? उस मेरिटोरियस स्टूडेंट को यहां पे जो मेरिटोरियस प्रोफेसर्स है, मेरिटोरियस मैं ब्राह्मणिकल मेरिटोरियस जो प्रोफेसर्स है, सारे लोग मिलके उनका पेपर को एक पेपर में भी पास करने नहीं दिया। दैट इंसिडेंट ऑल्सो मेड मी वेरी यू नो रिजिड अबाउट हाउ व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ सब्जेक्ट टू स्टडी। सो व्हाट हैपेंड देन, मैंने ये 5 यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को और 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज को मैंने आइडेंटिफाई किया। जो यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा हूं, मैं डेटा भी है, मैं किस तरीके से कितना लोग क्या क्या बताया, किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हुआ, वो पूरा डेटा है, 10 मिनट में बोल के मैं खत्म करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है।
it would be, I mean, it is very important to listen how discrimination happens in the classroom, how it happens in the mindset of the teacher, how it happens in the mind of the student. Peer group analysis kya hai? Ye sab humne padha. Delhi University, JNU, Hyderabad Central University, Pondicherry University और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये पांच यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो यूनिवर्सिटीज में हमने जाके स्टडी किया. जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, पाटना यूनिवर्सिटी, नागार्जुन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में है, मद्रास यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, एमजी यूनिवर्सिटी केरला, ये पांच यूनिवर्सिटीज है स्टेट यूनिवर्सिटीज है. ये दस यूनिवर्सिटीज में जो डेटा निकला वो डेटा का सारांश ये है. सिक्स हंड्रेड स्टूडेंट्स को मैंने स्टडी किया. एक एक स्टूडेंट के साथ हमारा टीम लगभग दो घंटा से तीन घंटा. 550 एंट्रीज क्वेश्चनेयर, ये नॉर्मल बात नहीं है. इट टुक लॉट ऑफ टाइम फॉर अस टू कम आउट एंड प्रूव, एंड वी विल बी प्रूविंग दैट through this study, that in all the universities which we have studied, by the way, 10 universities jo hai, we just chosen, but sab universities mein jis tarike se discrimination ka shikar ho raha hai, wo hum, main aapke samne rakh raha hu, do 10 universities ka study hai. Ye pura wahi hai aankde. Bhaiya, aankde nahi hai to koi seriously baat nahi le lega. भाषण मतलब जिस तरीके से मैंने वो जाकिर हुसैन कॉलेज में जब मैंने जाके मैं आई लोकेटेड माई सेल्फ एज ए सब्जेक्ट एंड सेड दैट लुक दलित्स आर फेसिंग सच काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, लोग हंसना शुरू किया. उसी दिन डिसाइड किया मैंने, नो आई विल कम इन फ्रंट ऑफ यू विद द स्टैटिस्टिक्स, आई विल प्रूव दैट हाउ डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम. 600 सैंपल्स को मैंने स्टडी किया ऑल दीज यूनिवर्सिटीज में. 550 एंट्रीज, 3 hours question hai. Out of 600, 377 students, humne ye bhi dhyan mein rakha, science, humanities aur social sciences. At the same time humne ye bhi dhyan mein rakha, gender ko bhi rakha, jis tarike se do dalit, especially 600 scheduled caste students ko humne ye study kiya. Out of 600 students, 377 students said they face discrimination in viva voice, whether it is they heard or they experienced. मतलब एक सवाल थे उसमें, वाइवा में डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं है, आप कहीं पे सुना या आपके एक्सपीरियंस है. 377 said yes we face discrimination. दूसरा है 304 students who said that जब फेलोशिप मिलता है इन लोगों को, दलित या शेड्यूल का स्टूडेंट्स को, उसको इस एक तरीका ईर्ष्या, मतलब एक एनवी होता है इसको. 304 स्टूडेंट्स सेड दैट सर जब हमको फेलोशिप मिलता है, ये जो 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 दूसरा प्रकाश लोग हैं उनको जलन होता है, उसको एनवी होता है, दे कांट डाइजेस्ट दैट वी आर गेटिंग फेलोशिप, इसीलिए उनको सरकार का दामाद तरीके से कॉमेंट्स बोला जाए होता है वहां. और दूसरा है 264 said that you don't have merit, merit is my foot. तो ब्राह्मणिकल मेरिट जो है, तो वीटी राजशेखर ने बहुत पहले बोला, मेरिट इज माई फुट. वॉट इज मेरिट? अब 10% लेके तुम क्या, अब तुम भी इसी मेरिट उसमें आ गया ना. तो जो इतना लोग बोला, यू डोंट हैव मेरिट, हूज मेरिट यू आर टॉकिंग अबाउट? दिस नेशन इज, you know, I mean, gone towards to, you know, I mean, so deeply, you know, it has gone towards to such an extent. Kya tumhara merit hai yahan pe, thoda aap dekh liye, 70 years ka merit ka natija is desh ka. Aur 201 student said that they are unworthy, aap logon worthy nahi hai fellowship ka. See the mindset, discrimination ka mindset ye hai, humne socha isko expose karna hi hai. Aur 221 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 600 दे से कास्टिगेटिंग रिमार्क्स, मैंने जो अभी बताया, ये ब्राह्मण, ये जो दीजराव सरकार का दामाद है या कोटा चिल्ड्रन है या फेलोशिप का है और जो भी है, दो व्हाट दे कॉल, यू नो, इन डिफरेंट कास्टिगेटिंग नेम्स. ओनली 78
only 78 SC students said, yes, others say that you deserve it. मतलब आपको you deserve it, only 78 students of our sample said, the others will say you deserve it. See, imagine that the level of, you know, hatredness among the other communities, that when Dalit students, they get fellowship. Rajiv Gandhi fellowship हो, या social welfare fellowship हो, या UGC net हो, ये सब जो भी चीज है. और क्लासरूम, इस क्लासरूम इज इक्वल स्पेस, हमने ये सवाल पूछा. जो जो मंत्री जी बोला और सरोज भी बोल रहा था, वो जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन पहले होते थे, वो ऐसा नहीं हो रहा है अभी. मतलब तुम पीछे बैठो, तुम आगे बैठो, या तुम मत आ जाओ, वो नहीं हो रहा है अब. क्लासरूम बैठने में सब बराबर हो गया. सो 313 पीपल सेड यस, क्लासरूम इज ए इक्वल प्लेस. 313 रेस्पॉन्डेंट्स ने ये बोला, क्लासरूम इक्वल स्पेस है. बट उसके अंदर, आई मीन आउट ऑफ 600, 460 स्टूडेंट्स दे सेड, मतलब 460 लोग बोला आउट ऑफ 600 दे सेड, क्लासरूम का अंदर जिस तरीके से जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन, स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेटिंग देम, टीचर्स डिस्क्रिमिनेटिंग देम, ओके, पेयर ग्रुप डिस्क्रिमिनेशन देम, 460 स्टूडेंट्स सेड दे आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम में. और 369 स्टूडेंट्स अमॉन्ग देम दे सेड अपर कास्ट स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेटेड. अफकोर्स आई मीन आउट ऑफ 600, 369 स्टूडेंट्स सेड दैट अपर कास्ट स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेट इन द क्लास. ओके, इमेजिन मोर देन, इट्स लाइक आई मीन 69% ऑफ द सैंपल दे आर सेइंग द क्लासरूम में डिस्क्रिमिनेशन होता है. ये हवा में नहीं लेके आया स्टैटिस्टिक्स, पूरा डेटा है हमारा पास. जब मुझे इट वॉज रिडिकुल, माई आर्गुमेंट्स वॉज रिडिकुल, दैट नो, इस तरीके से नहीं होता है. बहुत स्टूडेंट्स को, जिस स्टूडेंट्स को हमने पूछा, उनको पता ही नहीं चल रहा है. जो हमारा रतन भाई बोल रहा था, जेन्यून, क्या वो क्या जेन्यून जेन्यून दैट यू नो थ्रेड, यू नो जेन्यून लीला, इस तरीके से होता है. आपको पता ही नहीं चल जाता है जो बंदा बगल में बैठा, वो आपको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है नहीं कर रहा है. मतलब सी सच अ श्रूड वे ऑफ यू नो बिहेविंग विद दैट. देन आउट ऑफ 600 व्हेन वी आस्क्ड इज देयर एनी लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन, सी वी पिक्ड अप बोथ स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दोनों, बिकॉज वी वांट टू सी व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द हायर एजुकेशनल सिस्टम, डिस्क्रिमिनेशन रियलिटी इन द हायर एजुकेशनल सिस्टम. 354 स्टूडेंट्स, लगभग 350 लोग बोला हमको लैंग्वेज का बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. हाउ एलिटिस्टिक दिस इंस्टीट्यूशंस आर भैया. सी द वे द डिस्क्रिमिनेशन इज बीइंग प्रैक्टिस्ड इन दिस यू नो इंस्टीट्यूशंस आर यू नो नीड टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट जस्ट यू नो जस्ट थोड़ा बहुत, मैंने जिसमें 10-15 सवाल का जो खास सवाल है वही प्रेजेंट कर रहा हूं आपका सामने. वो तो तीसरा सवाल जो हमने पूछा, जब आप डिस्क्रिमिनेट होता है किस तरीके से रिएक्शन होता है आपका अंदर, हमने पूछा ये भी. भैया आप डिस्क्रिमिनेशन जब फेस करते हैं तो, हाँ हमने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, तो जब डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करता है. 176 लोग बोला, मैडम एक मल्टीपल रेस्पॉन्सेस है, ये 176 स्टूडेंट सेड वी फील अंडर कॉन्फिडेंट, वी फील अंडर कॉन्फिडेंट. ये नेगेटिविटी किस तरीके से पैदा होता है मन का अंदर. और 163 स्टूडेंट्स दे सेड दे गेट डिप्रेस्ड व्हेन अदर्स डिस्क्रिमिनेटर्स, स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेट, टीचर्स डिस्क्रिमिनेट, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिमिनेट. सबकास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ा हमने, ऐसा नहीं है सिर्फ कास्ट ही है, सबकास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी पढ़ा हमने. और 208 पीपल सेड दे डोंट फील, दे फील अनकंफर्टेबल, मतलब जब डिस्क्रिमिनेशन होता है दे से दैट वी आर नॉट एट ऑल, दीज यूनिवर्सिटी स्पेसेस आर नॉट एट ऑल ए कंफर्टेबल स्पेसेस फॉर अस, बिकॉज यू डोंट हैव मच टीचर्स देयर, योर ओन टीचर्स आर नॉट देयर टू गो एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स. जो पेयर ग्रुप का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो बहुत कम मिल रहा है, वो भी आ रहा है लास्ट. देन रेवेंजफुल, मतलब जब आपके पास डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो
अब क्या वो 59 स्टूडेंट सेड दैट वी फील दैट वी वांट टू टेक रिवेंज, वी वांट टू टेक रिवेंज अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ यू नो डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम। हमने ये सवाल पूछा क्या टीचर्स डिस्क्रिमिनेशन करता है आपको? 411 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 600 उन्होंने बोला यस टीचर्स प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज इन द क्लासरूम, वेदर इट इज आउटसाइड, वॉट एवर मे बी, 411 सेड दैट यस टीचर्स प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन। दीज आर द स्टैटिस्टिक्स। देन किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करता है? 328 स्टूडेंट्स सेड दे सेड टीचर्स पार्शियल यू नो देयर पार्शियलिटी इन गिविंग हाई मार्क्स टू अपर कास्ट स्टूडेंट्स। 328 स्टूडेंट्स सेड भैया हमको मार्क्स जो वाइवा में पास नहीं करना, जो मार्क्स में कम करके देना। 328 सेड दैट। एंड आल्सो 253 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 600 दे सेड दे फेवर देयर ओन कास्ट स्टूडेंट्स, अपर कास्ट स्टूडेंट्स, those who are begging for reservation today, though they might have not begged, their masters has without asking they are giving them 10% reservation today. jo log ye practice kar raha tha discrimination kar raha hai abhi bhi. 189 students said that opportunities hi nahi de rahe humko university ke andar, kuch fellowship ho ya kahin pe bahar jaake seminar present karna ho ya kisi tarike se ek acha paper mila ye aap le lo, या किताब हो या रीडिंग मटेरियल हो, कुछ भी नहीं देता, आ जाके देख लो पढ़ लो बस खत्म। कोई मेहनत नहीं करता है इस दलित बच्चे लोगों को वो जो मटेरियल दिलवाने में या मदद करने में, फेलोशिप का एक सुविधा रास्ता नहीं पर उसका फेलोशिप का मनी एक कमीशन के रूप में लेके जाता है टीचर्स। देयर फेलोशिप्स मनी आर बीन डिमांडेड इन मेनी यूनिवर्सिटीज दैट यू प्लीज गिव अस, यू नो दैट यू नो इट्स ब्लेटेंट यू नो वे ऑफ यू नो एक्सप्लॉइटिंग दलित स्टूडेंट्स। For other students, it's not at all, not the case at all. Then, who gets high marks in the class? Continuation of the previous question. 422 students said, upper caste students, they get high marks. Is there anyone, I mean, who can challenge this? Na? Then, humne ye sawal bhi pucha, kya aapka universities mein SC ST select hota hai? Wo functional hai ya nahi? 184 said yes, SC ST cell hai. Sawal kya tha? Is SC ST cell is there in your university? 184 said yes. 144 said no. Matlab Delhi University ka samples bhi hamara students bhi kya bola? Sir humko ye pata nahi SC ST cell ek hota hai university ka andar. It is such a shameful that administrations in all the universities they are not even communicating to the students, are also it is not being visible. Matlab it is so much so invisible that out of 129 students ne bola, out of 600 existing but not functional. Matlab 273 students all together bola ye jo SC ST jo cell hai ye bekar hai, wo kuch bhi kaam nahi kar raha hai hamara. Jo cell kiske liye kaam karna wo kaam hi nahi kar raha. मतलब इमेजिन द ग्रीवेंसेस, वेदर दिस ग्रीवेंसेस आर बीइंग एड्रेस्ड बाय दिस पीपल आर नॉट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तीन पॉइंट्स लास्ट में, किस तरीके से आपको क्या कुछ आपका डिपार्टमेंट में कोई एससी फैकल्टी है या कोई आपका स्कूल में एससी फैकल्टी है, सपोर्ट स्ट्रक्चर एससी टीचर से किस तरीके से मिलता है? 391 सैंपल सेड यस हमको सपोर्ट मेजॉरिटी वही मेजॉरिटी एससी फैकल्टी से ही मिलता है। कोई कुछ बहुत कम लोग हैं, दूसरा लोग ओबीसी लोग टू सम एक्सटेंट दे हेल्प, दैट टू देयर इज अ ह्यूज चेंज व्हेन ओबीसी रिजर्वेशंस कम्स इन, दैट इज हाउ द एससी ओबीसी काइंड ऑफ यू नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम इज बीइंग यू नो स्लोली डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हॉस्टल में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो मिक्स रेस्पॉन्स मिला हमको, कुछ लोग बोला है कुछ लोग नहीं है। बट हॉस्टल में क्या होता है, जब हॉस्टल में आप आपका पेयर ग्रुप अलग होता है तो इसीलिए हमको वहां से ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का वो निकल के नहीं आया, नहीं तो फिर भी हॉस्टल अलॉटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, रूम अलॉटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जब फीस पे करने में डिले हुआ तो आपका मेस कार्ड बंद कर दिया हुआ होता है, स्पेशली फॉर दिस एससी एसटी स्टूडेंट्स। आपका सोशल वेलफेयर स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है तो
तो आपका कार बंद कर देता है। अब ताना कहां कहेंगे? और कोटा स्टूडेंट्स, आपको कोटा 10% कोटा का डिबेट चल रहा है, 354 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 600 से यस वी आर ऑल रिडिकुल्ड एज कोटा चिल्ड्रन। हमको सबको 354 स्टूडेंट्स ने बोला इस कोटा को लेके हमको ह्यूमिलिएट करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, वो नाम देता है ये कोटा चाइल्ड है, ये रिजर्व चाइल्ड है। लीगल एक्ट नेसेसरी या नहीं है? सवाल सीधा, लीगल एक्ट नेसेसरी या नहीं है? 550 स्टूडेंट्स, लगभग 550 लोग बोला यस वी नीड लीगल एक्ट बिकॉज दे आर ऑल फेसिंग, यू नो आई मीन, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, डिस्क्रिमिनेशन इधर इन द क्लासरूम, हॉस्टल, आउटसाइड स्पेस, वो इसलिए लीगल एक्ट का जरूरी के बारे में उन्होंने बताया। बट इंटरेस्टिंगली हमने ये सवाल भी पूछा, भैया ये लीगल एक्ट को कौन सा नाम दे देंगे हम? क्या रोहित वेमला का नाम दे दे? उसमें 412 स्टूडेंट से यस दिस लीगल एक्ट नीड टू बी नेम्ड अगेंस्ट रोहित वेमला एक्ट। क्या ये सरकार का कैन द गवर्नमेंट विल बी कन्विंस्ड नाउ एटलीस्ट एन एक्ट इज नेसेसरी? 10 यूनिवर्सिटीज का हमने जिस तरीके से हमने स्टडी किया। और लास्टली व्हाट इज नीडेड टू बी डन, व्हाट इज नीडेड टू बी डन, क्या करना है हम अभी? ये करना है, वी नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन। साथी लोग भी जय भीम बोल रहे हैं, जय भीम जय भीम। तो हम क्या कर रहे हैं? इसको स्ट्रगल करना ही है। वी नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट दिस ब्राह्मणिकल सिस्टम। ये जो नॉन ब्राह्मणिकल फोर्सेस जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का अंदर वो पूरा डिस्क्रिमिनेशन का एक मतलब दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन द डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस। सो वी नीड टू फाइट बैक विद दिस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस एंड वी नीड टू फाइंड आउट सम सपोर्ट स्ट्रक्चर। जिस तरीके से एससी एसटी ओबीसी शायद कोई भी स्टूडेंट हो, वेन सुरेंद्र सेड दैट रोहित वेमला एक स्टूडेंट था, कोई भी स्टूडेंट किसी तरीके से भी डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, तो वी नीड टू एक्सटेंड सपोर्ट, वी नीड टू आइडेंटिफाई किस तरीके से हम एक से दूसरे को सपोर्ट स्ट्रक्चर एक्सटेंड करना, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है तो रोहित वेमला जैसा लोग को इंस्टीट्यूशन भी मर्डर कर देता है एंड सेंदुल कुमार जैसे लोग दे कैन कमिट सुसाइड, दे कैन कमिट सुसाइड। और लास्टली लास्ट बात ये है, what is left in front of us? In front of us we have only sab log bataya whether this how to fight back with this discrimination discriminatory system or discrimination as a practice. We need to fight back pedagogically. Pedagogical intervention is very important. Jab tak hum pedagogically nahi padhenge ya nahi jis tarike se लोग का जो फोटोस यहाँ पे है विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे नहीं लेके जाएंगे या हम नहीं सोचेंगे तब तक एक डिस्क्रिमिनेशन रहता है। अब मैं कल वही बोल रहा था पॉलिटिकल साइंस में, ये जो ब्राह्मण लोगवाद लोग इतना खतरनाक है, दे सेक्युलराइज्ड मेरिट को सेक्युलराइज कर दिया, सब मतलब सब बराबर है, सब लोग कोटा स्टूडेंट्स है, यहाँ पे सब लोग कोटा स्टूडेंट्स है। ये कोटा स्टूडेंट्स का अंदर कैसे मेरिट लेके आना भी वो लोग सोच के ये बोलेगा, ये कोटा स्टूडेंट्स का अंदर हम ही मेरिट लोग है भी बोलेगा वो सब, वो भी कोटा स्टूडेंट्स है, हम सब कोटा स्टूडेंट्स है। बट व्हाट दे विल डू, दे आर सो कैपेबल टू क्रिएट ए सेपरेट मेरिटोरियस कैटेगरी विद इन द कोटा सिस्टम। वी नीड टू फाइट अगेंस्ट दिस। एज यू वॉज मेंशनिंग, यू आर ऑल यंग स्टूडेंट्स, own this problem and try to solve this problem in your university, in your colleges, with your, if your friend is facing this problem, please make an issue out of it. Let us fight back with this, you know, Brahminical hierarchies within the university system. We don't want no more, I mean, Rohit Vemulas who would be, you know, killed in the institutional mechanism. Thank you. Thanks for, you know, patiently listening for this university.